मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको पूजा, क्योंकि आज है नवरात्र का पहला दिन, तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये पे वो पहले मैं दिखा रही हूँ, तो ये सारा सामान है, नारियल, चुन्नी, कपड़ा, और ये पांच फल, और ये आम के पत्ते, सारी चीज़ दिखा रही हूँ मैं। ये हार, ये सब मेरे पत्ते भी धो के रख लिए हैं लाके, और सारा सामान ये है, ये हवन सामग्री है, ये मिट्टी है। तो मिट्टी को मैंने अच्छे पत्थर से थे वो हटा दिए हैं, और अच्छी अच्छी मिट्टी ले ली है मैंने। यहाँ पे एक चौकी रख ली है, उस पर मैंने ये कपड़ा बिछा दिया है लाल रंग का। तो अभी हम तैयारी करते हैं पूजा की, और मॉर्निंग का टाइम है मेरा। मॉर्निंग का जो भी काम रहता है वो सब हो गया है पूरा, जो भी रहता है सुबह। व्रत हमारा ही है और किसी का नहीं है, मैं अकेली व्रत रखती हूँ, तो हमें और सारा काम तो करना ही होता है। तो वही कर रही थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने चौकी बिछा ली, उस पर कपड़ा बिछा के देवी को गंगा जल से मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें साफ़ कर लिए हैं, और चावल रख दिए हैं उस पर। तो यहाँ पे कलश है, तो कलश में मैं ये कलावा बांध रही हूँ यहाँ पे। तो आम कलश में मैं आम के पत्ते लगा लेती हूँ इस तरीके से। पान के भी लगाते हैं भोलो, लेकिन मैं आम के लगाती हूँ। तो यहाँ पे यही मैं डाल रही हूँ कलश, हम वो दिखा रही हूँ मैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इलायची और लौंग को रख दिया है, लौंग इलायची ज़रूरी है उनके भोग में। ये पांच फल भी रख देती हूँ इधर मैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो भी खाली कलश नहीं रखते, तो ये मैंने हल्दी और ये सुपारी और ये चावल जो भी थोड़ा डालते हैं हल्दी कुमकुम वो डाल दिया है। और पत्ते कितने भी लगा लो, सात पांच जो भी अच्छे लगते हैं पत्ते, तो लगा दिए। तो यहाँ पे मैं कलश बैठा देती हूँ, कलश को अच्छे से रख देती हूँ। और अच्छा लगता है, कोई भी त्यौहार होता है, नवरात्रे आते हैं तो बहुत हमें इंतजार रहता है पूजा का। तो वो ही कर रही थी मैं। तो फिर मैंने यहाँ पे ये कलश ऐसे रखा, फिर मुझे मिट्टी रखनी थी यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पे वो मिट्टी की थाली रखी, उसके ऊपर मैंने कलश रखा था। तो मैंने जोत जला दी है ये मैंने, और ये रख दिया है कलश, और जो जौ बोए थे ना मैंने वो इसमें फैला दिए हैं अच्छे से। और ये हो गई थी मेरी पूजा, सारी नहीं दिखा पाई मैं, जल्दी जल्दी हो रही थी इसलिए। तो इस तरीके से करी थी मैंने पूजा। और आप लोग किस किस का व्रत है, कौन कौन व्रत करता है, बस सभी लोग करते ही हैं। और यहाँ पे किया है मैंने हवन। जब हवन करते हैं तो घर में, पूरे घर में कितना अच्छा लगता है, उस दिन का दिन पूरा ही दिन निकल जाता है पूजा में, बनाने में। ऐसे व्रत का बनाते भी हैं अपने लिए, तो बहुत सुंदर लग रहा था, पता ही नहीं चलता कब निकल गया पूरा दिन। और आप लोग हवन करते होगे नहीं, और किस तरीके से करते हैं। तो शाम का समय है ये, शाम की क्लिप है। तो साबुदाने भिगो दिए थे मैंने, देख सकते हो आप कितना खिले खिले लग रहे हैं, जैसे मोतियों जैसे लग रहे हैं ना, बहुत इस तरीके के हमें चाहिए। और दबाव तो बिल्कुल भी इसमें अरे वो इतनी नहीं जगह है ना, वीडियो अच्छे से बनाने फूल दो ना, गए थे, मेरे चार को पाँच लेट ना घंटे है। पहले भी हुए थे मैंने सुबह। तो यहाँ पे मैं ये आलू घिस के डालती हूँ, आलू घिस के फोड़ के भी डालते हैं, लेकिन आलू जब घिस के डालते हैं ना तो लच्छे जैसे बन जाते हैं, तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ना ये साबूदाना बड़ा। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने के साथ ही हरी मिर्च पीस ली थी, क्योंकि इस तरीके से अच्छे से पीस भी जाते हैं, हरी हरी मिर्च को अच्छे से मिला भी लेते हैं। तो ये बड़ा सब लोग खा लेते हैं, तो मैं यहाँ पे मैं ये मूँगफली के दाने पीस के रोस्ट करके डाल दिए थे मैंने। और रेसिपी मैंने पहले दिखाई है इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो दिखाऊंगी। तो हाथ पे ऑयल लगा के मैंने ऐसी सारी टिक्कियाँ बना बना के रख ली थी, देख सकते हो कितनी अच्छी बनती हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनती है, और सभी लोग खा लेते हैं और अच्छे भी रहते हैं। तो मैं व्रत में नमक खा लेती हूँ, व्रत वाला नमक खा लेते हैं, कहीं कहीं नहीं खाती कोई कोई, लेकिन मैं व्रत का नमक खा लेती हूँ, हरी मिर्च और व्रत का नमक।
तो यहाँ पर मैं पलट देती हूँ। तो देख सकते हो बड़ा बनके हमारे तैयार है। और ये चटनी में हरा धनिया, हरी मिर्ची और बत वाला नमक डाल दिया। तो आ जाइए आप लोग भी। यही था हमारा आज।